रेडी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। चलिए, जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो आपकी कैसी थी। वन का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, वन को ऑप्शन आने शुरू हो गए और आपका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, उचित समतावादी। क्या थी? हड़प्पा की सभ्यता मूलता जो थी वो कैसी थी आपकी, तो समतावादी थी। अर्थात तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखो, हड़प्पा संस्कृति जो थी इसका समाज मुख्य चार वर्गों में आपका विभाजित था, है ना। यहाँ पर शासक, धनी, है ना, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग इसमें से आपके आते हैं, है ना। धनी को बोलते हैं कुलीन वर्ग बोल देते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन में आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांख्य योग काम अन्याय कमा वैशेषिक कमा मीमांसा एवं वेदांत इंछा भिन्न भारतीय दर्शकों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। अर्थात ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके हैं क्या दोस्तों? ये वैदिक युग में आपके हैं, ठीक है ना। मतलब वैदिक युग में ये आपके वेदांत हैं जो कि भारतीय दर्शनों में छह प्रकार से आपको दिए गए हैं, जो कि आपका सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा वेदांत इन छह में से भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, और इसे हम लोग षट दर्शन भी कहा जाता है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां पर किया था। चलिए, जवाब देना है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहां पर किया करता था। इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो थ्री का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ गया है लगभग सभी का जवाब। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रयाग। क्या हो जाएगा? प्रयाग इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर फोर नंबर में, फोर को ऑप्शन आपका सी नंबर, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखो, यहाँ पर आपको याद होगा कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये कुतुब मीनार का नाम इसी के नाम से क्यों हुआ? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये ऊंची पत्थर की मीनार बनाना चाह रहा था और यहीं से प्रारंभ किया था। किसके नाम पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ठीक है ना। तो इसलिए जो कुतुब मतलब कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसकी नींव रखी थी, पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, फाइव का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सिक्स नंबर में। और सिक्स का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, दोस्तों याद रखिए, मुंबई में। कब हुआ था? यहाँ पर मुंबई में हुआ था, और 1885 में। ये तो आपको याद ही होगा ना, ये 1885 में आपका हुआ था। और यहाँ पर कह सकते हैं किसकी जो अध्यक्षता किया था वो डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों, सेवन की अगर बात किया जाए तो सेवन का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। याद रखिएगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो कि आपके 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों ने किया था। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखें कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था आपका एन जी रंगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। एन जी रंगा ने विरोध किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। बताइएगा किसके सुझाव से
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? दोस्तों नाइन का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड इरविन, इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? दोस्तों यहां पर देखो क्या दिया है, नहीं शब्द आपसे दिया है, और नहीं दिया है तो आपको 10 का ऑप्शन लगाना है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी आजाद हिंद फौज कि जो लाल किले में मुकदमा चल रहा था ना, तो उसमें पैरवी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ का जो ये सभी लोगों ने इसकी पैरवी किया था। तो यहाँ पर जो आप समझेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, और यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 11 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर सहारा मरुस्थल। क्या जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है ना, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इस मरुस्थल में देखा जाए दोस्तों 20 से अधिक झीले हैं। क्या इसमें इस मरुस्थल इतना बड़ा है कि यहाँ पर 20 से अधिक झीले भी आपकी हैं इसी मरुस्थल में हैं, ठीक है, जिनमें से अधिकांश जो आपकी झीले हैं वो आपके खारे पानी की झीले हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा भी नंबर 6 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आपका उत्तरी है ना, मतलब उत्तरी उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान मरुस्थली और प्रायद्वीप हो गया, तटीय मैदान हो गया, भारत के जो द्वीप हो गए, ये आपके 6 भागों में हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका भी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीलांग घाटी किस राज्य में है, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर उत्तराखंड में है, कहाँ पर है? उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है, ठीक है, यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है दोस्तों, ये जो नीलांग घाटी है इसे उत्तराखंड का लद्दाख, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अर्थात देखा जाए तो आपके भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 14 का भी ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए, और आपका जवाब आ रहा है डी नंबर 4 स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है, चौथा इसका आंसर राइट हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, है ना। हमने बताया भी था कि सबसे पहले राजस्थान आता है ना, राजस्थान के बाद फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 15 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों, याद रखिए अरबी भाषा से, किसे है तो आपका अरबी भाषा, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, अरबी भाषा से हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्या याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रचंड बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? बहुत बार हमने आपको पढ़ाया ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत पढ़ाया, प्रचंड बेरोजगारी है क्या दोस्तों? 17 की अगर बात किया जाए तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, हमने बताया था ना, यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए अगर 5 लोगों की जरूरत है तो 5 लोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो 5 जो लोग होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, यही अदृश्य बेरोजगारी होती है, प्रचंड होती है, यही आवश्यकता से अधिक होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर
राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बजट एक लेख पत्र है, है ना, बजट एक लेख पत्र है। यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, सरकार की राजकोषीय नीति का है। दोस्तों क्या बजट एक लेख पत्र है, सरकार की राजकोषीय नीति का है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बजट में क्या होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण किया जाता है। हमने बताया है कि संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है, बजट शब्द नहीं दिया है, बल्कि उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है। 19 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग है दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग है, अर्थात एक प्रकार से इसे बोलते हैं असंवैधानिक, क्या बोल देते हैं, असंवैधानिक बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसका गठन मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर किया गया था। अब तो यहाँ पर देखते हैं कि योजना आयोग को हटाकर यहाँ पर नीति आयोग बनाया गया था, और ये आपका कब बना था, तो ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आरएन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 20 देना है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बीमा क्षेत्र से, किससे, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये आपके बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, इसे क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों बताइए फटाफट जवाब दीजिए, अगर आ रहा है तो जवाब दीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं, है ना, लेकिन जो नहीं आता है उसको ध्यान रखा करें कि नहीं इसमें हमसे गलती हुई है या इसको हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रजातंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र, मतलब प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है ना, ये कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अपने भारत में क्या है, प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची जो आपकी आई है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की का उल्लेख किया गया है। जो आपका संविधान संशोधन है वो आपके कौन सी आर्टिकल में है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भाग 20 में, आर्टिकल नंबर 368 में, तो भाग 20 आपका सी है, और यहाँ पर कह सकते हैं आपके आर्टिकल पूछे तो आपको बताना है 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और जो संविधान संशोधन है ये आर्टिकल 368 में दो प्रकार से संशोधन की व्याख्या करता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर जवाब देना है आपका, जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24 को ऑप्शन देना है। चलिए 24 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है ना, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिए, थोड़ा अच्छा लगने लगे क्लास में, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बार दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 25 नंबर दिया गया है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहा है कलेक्टर का नहीं है, तो भाई आपने पढ़ा होगा कि भू राजस्व का एकत्रीकरण, ये भू राजस्व के एकत्रित करता है ना, कानून व्यवस्था का रख रखाव भी करता है, भू दस्तावेजों का रख रखाव करता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण दोस्तों नहीं करता है, तो 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, आयकर का एकत्रीकरण नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भू राजस्व के एकत्रीकरण
अधिग्रहण करता है। क्योंकि आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 26 नंबर का जवाब आ रहा है सिलिकॉन। देखिए आपका जवाब बी हो जाएगा, सिलिकॉन जो आपका है या ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आइसो बार और बार जो होता है वो दाब होता है कहीं ना कहीं, ये तो आपका पॉइंट सही दिया गया है, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। इसके बाद हाइट, ये आपका ऊंचाई दिया है, ये भी सही दिया गया है ना। यहाँ पर बाथ मतलब नहाना और नहाते हैं गहराई में, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको आइसो हेलाइन जो दिया गया बर्फ वर्षा, ये आपका सुमेलित नहीं है, 27 नंबर में ये सुमेलित नहीं है। ये जो आपके आइसो लाइन होता है दोस्तों, ये होता है लवणता, क्या दर्शाता है, लवणता को दर्शाता है, ये रेखा जो होती है वो लवणता को दर्शाती है। तीन तो आपको बिल्कुल इजी है, देखो बार होता है दाब का होता है, हाइट हो गई ऊंचाई का है ना, बात मात्र मतलब होता है नहाना और नहाते हैं कैसे गहराई में, मतलब ये ट्रिक आपको याद करने की ट्रिक आपकी है, और आइसो हेलाइन होता है लवणता होता है, याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़िएगा, कह रहा है एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, क्वेश्चन नंबर 28 देना है। और 28 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, किण्वन होती है या हाइड्रोजनीकरण होती है, क्या होती है, 28 का ऑप्शन। दोस्तों देखो इसमें क्या होता है कि जो बायोगैस संयंत्र होता है इसमें जैसे गोबर ओबर डाल देते हैं, उसमें कीड़े भी होते हैं, वो किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, कौन सी, किण्वन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण नहीं होती है, इसमें होती है आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिस जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों की सहायता से एक सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित करना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, क्या, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्लियर है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, चलिए बताइएगा जो सिगरेट लाइटर होती है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यहाँ पर 29 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, या देखिए ब्यूटेन, क्या होती है, ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और वहीं पर जो आपकी घर पे होती है एलपीजी, एलपीजी में तो आप लोग जानते हैं कि एलपीजी में क्या होता है, यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है दोस्तों, है ना, होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, आनुवंशिकता की जो इकाई होती है इनमें से क्या होती है, 30 को ऑप्शन देना है, और 30 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 30 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, और बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन होते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जीन बताना है, ठीक है ना, क्योंकि जीन के माध्यम से ही जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया चलती हैं वो जीन के माध्यम से ही होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर, अच्छा ये तो आपके मैथ का है, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे वैमनस का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताना है वैमनस का विलोम इनमें से पूछा गया है, और आपका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वैमनस का विलोम क्या होता है, सोमनस होता है, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका बी नंबर हो जाएगा, वैमनस का हो जाएगा, सोमनस राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय का संविच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्योदय का संधिविच्छेद पूछा गया है, और सूर्योदय का जो संधिविच्छेद है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 37 नंबर है तो 37 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सूर्य धन उदय, क्या बन जाएगा, सूर्य धन उदय बन जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वाक्यांश का एक शब्द तना है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे 38 नंबर में, तो 38 का ऑप्शन आपका जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं, निर्मम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और जिसके मन में भय ना हो, दोस्तों यहाँ पर जो निर्भय है ना, निर्भय क्या होता है, जिसके मन में भय ना हो उसे निर्भय कहते, ठीक है। और यहां पर निर्दय होता है, निर्दय, निर्दय मतलब होता है जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे बोलते हैं निर्दय कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे छक्का पंजा करना मोहरे का सही अर्थ बताना है, छक्का पंजा करना मोहरे का सही अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर आपका 39 नंबर में जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, झगड़ा लगाना, क्या, झगड़ा लगाना, जो कि ऑप्शन है यहां पर ए नंबर हो जाएगा। छक्का पंजा करना, झगड़ा लगाना, कुछ सुटेबल नहीं लग रहा है,
सुटेबल नहीं लग रहा, बी नंबर सही होगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका 39 में है, छक्का पंजा करना मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 40 देना है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन आपका मैथिली शरणगुप्त, दोस्तों क्या मैथिली शरणगुप्त जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यह हर गीत का छंद में रचित है, ये जो आपका है हर गीत का छंद में रचित है, दिया है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं। यहां पर बताइएगा कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन है, जवाब यहां पर देखिए आ रहा है आपका दलाई लामा, साथ में आपका दिया गया है डेसमंड टूटू, अर्थात ऑप्शन जो आपका 59 नंबर में है वो आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या ये दोनों ही आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिए कि इस पुस्तक में सच्चे सुख के अर्थ को दिया गया है और ये आपका जो है आपके दलाई लामा और आपका डेसमंड टूटू इन दोनों के लिए आपका लिखा गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर आपका है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर में, तो ऑप्शन ही हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों, ये तो हमने आपको बहुत बार करंट अफेयर आपको पढ़ा भी दिया है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, 61 का ऑप्शन दीजिएगा, तो 61 का ऑप्शन आपका बांग्लादेश का है दोस्तों, कहां का है बांग्लादेश, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी का जवाब लगभग सही आ गया है, बांग्लादेश का है। यहां पर देखो श्रीलंका का पूछ लेता है तो आप कहेंगे श्रीलंका का शेर है दोस्तों, क्या है भाई यहां का चिन्ह जो आपका है श्रीलंका का वो आपका शेर है, वहीं पर आपका जैसे भूटान है भूटान, और जैसे आपका पाकिस्तान है ना, मतलब पड़ोसी देश जितने हैं उनको आपको रट लेना है, जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी को आपको पढ़ लेना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है दोस्तों यहां पर 62 नंबर में, तो बताइएगा नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और साइप्रस की आपकी जो साइप्रस है उसकी निकोसिया है, क्या है निकोसिया है, यहां पर जो बनेगा आपका 1 हो जाएगा। जॉर्जिया की राजधानी आपकी तिबलिसी, तिबलिसी जो आपकी है कहां पर है, यहां पर 3rd हो जाएगा, यहां पर 3rd हो जाएगा, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, यहां पर वियना, तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखिए 62 वाले में कौन मिल रहा है, तो आपका 62 वाले में शायद चौथा बनेगा, कौन सा चौथा बनेगा, 4132, 4132 देखो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, डी नंबर हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 63 देना है, और 63 का जो ऑप्शन है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी का जवाब बिल्कुल बहुत ही फास्ट आया है। इनका कार्यकाल जो रहा था वो 1977 से लेके आपके 82 तक रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भारत के छठवें राष्ट्रपति थे, कौन, भारत के छठवें राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ में ये आपके अंतरिक्ष के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे दोस्तों, याद रखिए कि आपके 1956 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय प्रथम मुख्यमंत्री भी आपके बनाए गए थे, ये भी पॉइंट आपको नोट रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ये पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था, तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, 64 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2010, कब 2010 में, ये आपका 24 अप्रैल 2010 को पहली बार ये मनाया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, आप सुनिए आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, यहां पर देखिए 65 नंबर में, और 65 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, कहां पर है आपका न्यूयॉर्क, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके 1945 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, 1945 में स्थापित किया गया था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है, यहां पर जवाब देना है, तो 66 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में है दोस्तों, कर्नाटक के बीजापुर जिले में है, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बीजापुर के जो आदिल शाही राजवंश थे सुल्तान मोहम्मद आदिल है ना, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी आपका है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों, याद रखिए यह दुनिया का
सबसे बड़ा गुम्बद है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का लोक नृत्य पूछा गया है, तो झारखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है 67 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका बी और सी अर्थात पाई और आपका छऊ, ये दोनों आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा बी और सी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। देखो हमने बताया पड़ोसी देशों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, है ना, पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, उनका राष्ट्रीय खेल है ना, और उनका राष्ट्रीय चिन्ह और राजधानी इनको पढ़ना है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, जापान हो जाएगा। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपके दोस्तों जापान का याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं पर देख सकते हैं जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट होता है, चीन का हमने टेबल टेनिस आपको बताया था, ठीक है ना, टेबल टेनिस बताया था, क्लियर है। और यहाँ पर जैसे ब्राजील है तो ब्राजील का फुटबॉल होता है, जापान का जूडो हो गया, भारत में हॉकी हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। चलिए गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में आपका नंबर पीटी उषा को जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर पीटी उषा हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था 70 नंबर में, तो दोस्तों 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 1972 में। कब 1972 में, 5 से 6 जून 1972 पर आयोजित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और यह देखा जाए तो ग्रही पर्यावरण पर पहला वैश्विक आपका सम्मेलन था, 122 देशों ने भाग लिया था, 122 देशों ने भाग लिया था। पूछा गया है कह रहा है प्लिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। प्लिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, 192 का ऑप्शन देना है। और इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर डेविड चिपरफील्ड, क्या नाम है, सर डेविड चिपरफील्ड को प्लिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से यहां पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। चलिए इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 193 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, इसका नाम है मेगा टॉपिक्स फर्स्ट। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। चलिए और भी एक उपग्रह था रिसेट 2 उपग्रह के पास, है ना, यहाँ पर रिसेट 2 उपग्रह के पास 4 वर्षों की आरंभिक रूप से डिजाइन किए गए जीवन काल के लिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपको सी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा कोलंबिया ने, ठीक है, कोलंबिया इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर बी हो जाएगा सी जिनपिंग, किसे, सी जिनपिंग इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ रूपांतरित कर रहा है। यहाँ पर 196 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर जब का बोर्नियो द्वीप में, ठीक है, याद रखिए अब कहाँ पर करेगा, बोर्नियो द्वीप पर करेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है इनका संबंध किस देश से है। 197 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा, नोट करिएगा, 197 का जो आंसर है ए हो जाएगा, ये आपके अभिनेता और निर्देशक रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री एल गुरुगन मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है। यहाँ पर जवाब इनमें से आपका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, सिप्रा दास को, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो बी हो जाएगा, सिप्रा दास इसका आंसर है राइट बनेगा, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन के 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया है सिप्रा दास, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में से विस्फोट हुआ है ये कहाँ है। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपके इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है कि लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है। यहाँ पर जो आंसर आपका इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, लद्दाख में दिया है ना, यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी में लगा देना, लद्दाख में है कर्नल गीता राणा,
यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, गीता राणा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा ए नंबर है, आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में बन रहा है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ठीक है, 30 किलोमीटर लगभग होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण ये बैंक आपका बंद हो चुका है, अमेरिकी बैंक है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ये है आपका सिलिकॉन वैली बैंक। क्या? सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका में धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए भाई, 2023 में नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर में से कौन सा है, सर्वाधिक महंगा शहर इनमें से जो बनेगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से भाई। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए 203 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मोनाको। कौन है? मोनाको, जिसका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, मोनाको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म इनमें से कौन सा हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया गोरखपुर नहीं है, अब गोरखपुर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले खड़गपुर होता था, फिर गोरखपुर हुआ, अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सिद्धरुद्रा स्वामी, ठीक है। ये दक्षिण भारत में आपका है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सी नंबर है, या इसे बोल सकते हैं हुबली रेलवे स्टेशन। क्या? इसे हुबली रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो जवाब देना है यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, इसका जवाब देना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में क्या दिया गया है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिससे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों। हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान दें या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृत में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं बल्कि सामयिक जीवन प्रवास से भी दूर होते जा रहे हैं, दूर होने जाना पड़े। अगला है, विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं, है ना। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दावा करते हुए हम अपने घर में ही बेमन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। दोस्तों इसमें जो बात हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी भाषा के बारे में, अपनी मातृभाषा के बारे में यहां पर कहा गया है कि हम लोग दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं, विदेशों के कल्चर को अपना रहे हैं, वहां का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने देश की जो संस्कृति है उसे हम भूल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कि भारतीय मानस का स्पंद ध्वनित होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा कि भारतीय मानस का स्पंद ध्वनित होता है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है, आपसे दिया गया है हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जिसमें, क्या होती है भाई, 72 का ऑप्शन देखा जाए बी हो जाएगा कि भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी नंबर है, भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक शीर्षक इनमें से क्या है। 73 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला दिया गया है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या हो रहा है। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है दोस्तों, 74 नंबर में, तो ऑप्शन 74 का ऑप्शन बन जाएगा सी, या देखिएगा विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए, यहाँ पर देखिए 75 नंबर में, तो 75 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सामयिक जीवन प्रवाह से, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अगला दिया गया गद्यांश, जो कि शिक्षा को, देखो
देखो काफी लोग पिछले वाले गद्यांश को सही नहीं कर पाए हैं, है ना, तभी कहते हैं गद्यांश को पढ़ना भी चाहिए, कभी कभी पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए। देखो दिया गया, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित किया है, है ना, कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकल कर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे कि विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्धता आदि राष्ट्र की क्षुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। मतलब समझ रहे ना कि अगर विज्ञान के साथ छेड़खानी की जाएगा तो भी दिक्कतें होगा, है ना, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणुविस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में संकटग्रस्त है। क्लियर है? और यहाँ पर देखो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, यहाँ पर क्या भर दिया जाए, 76 नंबर में क्या भर दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए जीवन का अपर सीमी भौतिक विकास, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है दोस्तों, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है। और अगला आपसे दिया गया है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्यिक, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो जाए, जब व्यक्ति की दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, क्षुद्धता को राष्ट्र की क्षुद्धता न बनने दिया जाए, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।